कैंट थाने की पुलिस ने रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों को जहर खुरानी देकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर चोर बाहर से आने वाले यात्रियों से मेलजोल बढ़ाकर या धोखे से खाद्य पदार्थों में नशीला पदार्थ खिलाकर उनके सामान, मोबाइल और नकदी रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 150 ग्राम नशीला पदार्थ पाउडर, अल्प्राजोलम, 6 मोबाइल सेट और 1 पावर बैंक बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान इरफान खान उर्फ लंबू पुत्र मजबुल्ला खान निवासी मुरकटिया थाना श्याम देवरवा जनपद महाराजगंज और अर्जुन कन्नौजिया पुत्र शोभी प्रसाद कन्नौजिया निवासी ठाकुरपुर मजरे मिर्चाइन थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट मनोज कुमार राय, चौकी प्रभारी रेलवे अक्षय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, हेड कांस्टेबल इम्तियाज खान और कांस्टेबल अभिषेक कुमार राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये कैंट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये दो व्यक्ति जहर खुरान पकड़े गए हैं। ये अक्सर जो लोग बाहर निकलते थे बसों से या उससे टेम्पो से तो ये अक्सर कुछ उनको खिला पिला के उनसे लूटपाट कर लेते थे। उनके पास जो जहर खुरान में जो मादक पदार्थ है उसकी भी मतलब रिकवरी की गई है। उन्होंने स्वीकार भी कई घटनाओं किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इनके गिरोह के जो सदस्य हैं कुछ नाम पता चले उन पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके भी जेल भेजा जाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? अभी इन्होंने 2-3 घटनाएं स्वीकारी हैं। बाकी गिरोह के कुछ लोग नाम भी बताए हैं। बाकी सबसे तस्दीक किया जा रहा है। इधर लॉकडाउन में यद्यपि घटनाओं में काफ़ी कमी थी लेकिन पूर्व की घटनाएं भी पता की जा रही हैं। निश्चित रूप से जो भी घटनाएं हैं वो लिंक की जाएंगी, उन सभी का खुलासा भी किया जाएगा। जिले के बाहर भी लोग घटना नहीं? अभी तो हाल फिलहाल हमारे जो रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जो है यही इनका मुख्य केंद्र बिंदु था।